कमलापुर में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात किए केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा, एमएलसी वीजी पाटिल और भाजपा युवा नेता चंदू पाटिल। घायलों और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर हिम्मत दी। भगवंत खूबा ने कहा कि राज्य सरकार से इलाज करवाया जाएगा और इस भीषण हादसे में मर गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा भी दिया जाएगा। जाते वक्त आज सुबह 6:30 बजे बस का दुर्घटना में बस को आग लग करके 7 लोग, उसमें बच्चे भी है, आग के अंदर पूरा जल के राख होकर के जान गई है और बाकी के लोगों को जो घायल हुए हैं वो लोगों को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारीगण समय पर उस कार्य को हाथ में लेने के जिम्मेदारी उठाने के बाद ही सभी को अस्पताल में ला करके उनको एडमिशन किया है और सभी से मैंने बात किया है। सभी आउट ऑफ क्रिटिकल और डेंजर है। सभी का छोटा मोटा जो भी फ्रैक्चर होगा, इंजुरीज, इनसाइड इंजुरीज होगा, वो सारे ट्रीटमेंट वगैरह हो रही है। तो ये लोगों को तो बहुत सेफ है। जो 7 जाने गई है उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट में उन 7 को बॉडियों को पैक करके उनका परिवारों को सौंप दिया है और उनको जाने के लिए सरकार से व्यवस्था भी की है और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं सारे का सारे ट्रीटमेंट की खर्च हमारा कर्नाटक सरकार लेगी और मैं कर्नाटक मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और हम केंद्र सरकार का परिहार निधि के अंदर जो हम संभावना है तीनों आर्थिक सहायक देने का हम प्रयास करके इस परिवारों को आर्थिक मदद मिलने जैसे हम लोग प्रयास करके हम लोग उनको मदद करेंगे। नहीं, ड्राइवर बहुत काफ़ी तेज से बस चला रहा था और अंदर बैठे हुए पैसेंजर उसको 2-3 बार बोल भी दिया कि इतना तेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर अपना मूड में वो 120 से ज़्यादा स्पीड से जा करके बहुत दुखदायक अपघात हुआ है। शायद ऐसा बेजवाबदारी के कारण हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। मैं सभी से विनती करता हूँ, सरकार को दोष देना या डिपार्टमेंट को दोष देने से पहले हम हमारा जिम्मेदारी, हमारा सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो रास्ते पर हम प्रवास करते समय जितना हो सका उतना सुरक्षा बरकरार और नियम पालन करके चले तो ऐसे दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं, यही मैं विनती करता हूँ। खंडित, मैं बोला ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का हमारा मंत्रिमंडल को मैं बात करके इनको मुआवजा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।